जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि एचकेआरएन के अंदर एनटीटी की जो वैकेंसी है रोक दी गई थी, वो दोबारा से रीओपन कर दी गई है। और साथ ही दोस्तों बता देना चाहता हूं कि फार्म भरते समय ये गलती मत करना। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप एनटीटी वैकेंसी का फार्म भरने जा रहे हो तो ये गलती मत करना। देख लो कैसे फार्म भरोगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, वहां पर फैमिली आईडी मांगेगा, वहां पर आईडी का जो नंबर है वो डालिए दोस्तों। और उसके साथ ही ध्यान देना, सबसे बड़ी बात ये है कि जब वहां पर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, जब वहां पर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा तो आपने दोस्तों क्या करना है, यस करके वहां पर अपना एक्सपीरियंस, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो वहां पर अपलोड कर देना है। और साथ ही दोस्तों ध्यान देना, जब भी आप फॉर्म भरोगे तो ये मत सोचना कि 10th और प्लस टू ही अपलोड करें। अगर आपके पास बीए है या आपके पास बीएड है या आपके पास जेबीटी है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों अपलोड कीजिएगा। तो ये ध्यान रखना, बाद में पछताना ना पड़े। जो मैंने आपको बात बताई है कि जो एनटीटी की वैकेंसी है उसको आप कैसे भरोगे, ये दो बातें जो खास है वो ध्यान रख लेना दोस्तों। और आज कोशिश कीजिएगा आजकल के अंदर ही फॉर्म भरे जाएं, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 26 रहेगी। 26 से पहले पहले आप फॉर्म भर दीजिए। और इसके साथ दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे भी आगे की जो कार्रवाई होगी, पेपर होगा या नहीं होगा, क्या प्रोसेस रहेगी, आपको हाथों हाथ आपके तक पहुंचाई जाएगी इस फॉर्म प्लस चैनल की हेल्प से। तो बस दोस्तों मैं इस वीडियो को यही स्टॉप करता हूं। जो ये दो बातें बताई हैं इनको दिमाग में फिट कर लेना फॉर्म भरने से पहले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।